अगर आप ये लाइट वेट सा सीरम यूज़ करते हो तो ये आपके फेस से तमाम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने को क्लियर कर देता है। इस सीरम की बेस्ट क्वालिटी ये है कि ये आपके फेस पे मौजूद पोर्स को क्लीन कर देता है, यानी उसमें मौजूद सीबम, डर्ट को निकालता है और पोर्स अनक्लॉग कर देता है। और अगर स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रही होगी तो ये एक्सेस ऑयल के प्रोडक्शन को भी रोकता है और साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। तो इस सीरम को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे थोड़े से नीम के पत्ते, जो कि हमें किसी भी फूल वाले की शॉप पर मिल जाएंगे इजीली। तो अब हम इन नीम के पत्तों को अच्छी तरीके से धोकर क्लीन कर लेंगे और उसे एक मिक्सी जार में पीस लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर नीम के पत्तों को अर्क गुलाब के साथ पीसा है ताकि अर्क गुलाब हमारे फेस के पीएच लेवल को बैलेंस रखे। यहाँ हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है नीम के पत्तों को। अब हमें इसका जूस चाहिए होगा, जो हम छन्नी के ज़रिए से अलहदा कर लेंगे। अब हम एक अलहदा बाउल में क्यूकम्बर जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि क्यूकम्बर जेल ही ऐड करें, क्योंकि क्यूकम्बर जेल जो होता है वो हमारे पोर्स को अनक्लॉग करता है। तो क्यूकम्बर जेल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें लीमू। आधा लीमू मैंने काट लिया था, इसमें हम आधा लीमू ऐड करेंगे। तो नीम के पत्तों को पीसकर जो मैंने जूस बनाया था, अब मैं ये जूस ऐड करूँगी इसमें 5 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ट्री ट्री ऑयल के 3 कतरे। अब मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब ये यहाँ पर हमारा सीरम तैयार हो चुका है। अब मैं ये सीरम एक पंप वाली क्लीन बॉटल में भर लूँगी। ये सीरम फेस पर से डलनेस को ख़त्म करके चेहरे को नेचुरली ग्लोई एंड शाइनी बनाता है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बना ये सूदिंग और रिफ्रेशिंग सा सीरम आपके फेस पे से बहुत से इश्यूज़ को कंट्रोल करेगा। ऐसी बहुत सी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा।